सो so, ये है नॉन रिक्लाइन और ये है रिक्लाइन जमीन आसमान का फर्क है नॉन रिक्लाइन और रिक्लाइन में सो so, गाइज ये है क्रेटा का बेस मॉडल यानी कि ई वेरियंट आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट्स अवेलेबल हैं एडजस्टेबल हेड मिल जाती है सिक्सर बैक्टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड आपको यहाँ पे मच रिक्वायर्ड सारे फीचर्स मिल जाते हैं इवन यहाँ पे ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम भी अब दिया गया है तो बेसिक वेरियंट से ही आपको यहाँ पे जो भी मच रिक्वायर्ड फीचर्स है वो सब मिल जाते हैं रियर में आमरेस तक दी गई है सो so, ये है क्रेटा का बेस मॉडल मैं शेयर करना उसका एक बहुत ही डिटेल्स ऑफ वॉक अराउंड एंड एसेसरीज भी बताऊंगा साथ साथ क्या क्या आप लगवा सकते हैं अपग्रेड करवाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वैलैकिन को प्रेस कर दे तो ये है क्रेटा का बेस ई मॉडल यहाँ पे आप ब्लैक कलर देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा सेल होती है करेटा ओवरऑल बेस मॉडल नहीं बाकी सारे मॉडल भी ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं सिल्वर कलर है वाइट कलर है इसके अलावा यहाँ ब्लू कलर मिलता है मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज मंथली सेल की तो वो है करंटली बारह हज़ार यूनिट गाइस एंड साथ ही में यहाँ पे आपको तीन साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं पाँच साल तक या फिर सात साल तक रोड साइड असिस्टेंस भी आपको तीन साल मिलता है उसको भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और ये है नॉर्मल ब्लैक कलर की ग्रिल विद सिल्वर फिनिश टॉप मॉडल की तरह क्रोम ग्रिल आप लगवा सकते हैं गाइज़ यहाँ पे पाँच हज़ार में और यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है दोस्तों मतलब पोजिशनिंग लैंप दी गई है बेसिकली डे टाइम रनिंग लाइट्स एग्जैक्ट नहीं है बट डी आर एस ज़रा लुक आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हेलोजन हेड लैम्प है हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर में ही है टॉप मॉडल की तरह आप चाहें तो वो आप इंस्टॉल करा सकते हैं फोर एल ई डी हेड लैम्प यहाँ पे नीचे टर्न इंडिकेटर्स हैं टॉप मॉडल की तरह आप यहाँ पे जो फॉग लैम्प प्लस इंडिकेटर्स है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं बाकी आपको यहाँ पे एयर कर्टिंग वगैरह मिल जाते हैं दिस इज़ दाइड प्रोफाइल और सेफ्टी फीचर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिक्स एयर बैग्स है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सारी फ़ीचर्स गाइज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सो so, सेफ्टी के मामले में यहाँ पे फीचर्स सारे दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्चिस क्लाइडिंग यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर के साथ टू जीरो फाइव बाई सिक्सटी फाइव सेक्शन टायर सोलह इंच का यहाँ पे टायर आपको मिलेगा और इवन यहाँ पे भी गाइज आप अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा सकते हैं लोग बेसिक मॉडल जो है बेस मॉडल इसलिए परचेज करते हैं ताकि उसे बाद में अपग्रेड करवा सके एक बार आप इसकी फ्रंट लुक देखो और ये देखो बाकी जो मैंने आपको एसेसरीज़ बताई तो इसकी जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी इन दिस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ब्लैक क्रेटा टॉप एंड मॉडल तो इसी की तरह हेड हेडलैम्प जो ग्रिल है और जो अलॉयज़ हैं वो सब आप इंस्टॉल करवा सकते हैं तो कम्प्लीटली जो लुक है वो गाड़ी की चेंज हो जाती है तो देर आर लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि आप बेस मॉडल में कर सकते हैं एंड यू कैन सेव मनी नहीं तो अगर आपके पास फ्लेक्सीबल बजट है यू कैन ऑब्वियसली बाय द टॉप एंड मॉडल जो कि बेटर रहता है साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे कोई टर्न इंडिकेटर नहीं है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम भी नहीं है फोल्डेबल भी नहीं है मैनुअली आपको अंदर से एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन टॉप एंड मॉडल की तरह आप ऑटो फोल्डिंग ओ आर वी एम इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें टर्न इंडिकेटर भी मिलता है और पडल लैम भी मिलता है उसकी कॉस्ट अराउंड दस ग्यारह हज़ार रुपये प्राइस इंक्रीज हो गया साथ ही में यहाँ रूफ रूफ्रेज आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं इवन शाफन एंड डेना भी बाद में इंस्टॉल हो जाता है साथ ही में यहाँ पे नॉर्मल सनरूफ पैर रोमिक सें रूफ दोनों इंस्टॉल हो जाती है बट क्वालिटी का थोड़ा बहुत इशू रहता है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इतनी मेजर इंस्टॉलेशन बाहर से करवाएं बाकी आप करवा, है। करवा सकते हैं इफ़ यू लाइक देन यहाँ पे गाइज़ आपको नॉर्मल डोर हैंडल मिलते हैं यू कैन इंस्टॉल लॉट ऑफ क्रोम तो यहाँ पे क्रोम हो जाता है इंस्टॉल यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे साइड में आप साइड स्कर्टिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं साथ ही में वन नाइनटी एम की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो है पचास लीटर का बाकी कंपेरिजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये है रियर लुक और बात करते हैं दोस्तों ऑनरोड प्राइस के बारे में तो वो आप चेक कर सकते हैं हर एक मॉडल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पे लिंक दे रखे हैं वहां पे आप हर एक मॉडल चेक कर सकते हैं रीजन हमने लिंक दिया ताकि हम वहां पे बार बार रेगुलर अपडेट करते रहे ताकि आपको हमेशा नया प्राइस मिले नहीं तो अदरवाइज वो प्राइस अपडेट या फिर वेरियंट अपडेट नहीं रहता साथ ही में अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस कम्पेरिजन के बारे में इस मॉडल में आपको और कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं यानी कि इतने पैसे अगर आप खर्चते हैं ऑन रोड तो आपको और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड सर्विस कॉस्ट अगर आपको चेक करनी है इस गाड़ी की या किसी भी गाड़ी की दस साल तक की एग्जैक्ट कंपनी के एंड पे सर्विस कॉस्ट क्या आती है तो वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो भी अपडेट होती रहती है कॉन्टीन्यूसली प्राइजेज ऊपर नीचे उसके भी होते रहते हैं तो आप जाके जरूर चेक कर ले बिफोर बाइंग एनी कार तो यहाँ पर में स्पॉयलर दिया गया वाइपर डिफॉगर बाद में इंस्टॉल हो जाएगा साथ ही में क्रेटा की बैजिंग यहाँ पे नॉर्मल एल ई टेल यहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज की एल है टॉप मॉडल वाले थोड़े डिफरेंट रहते हैं तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं रियर में स्क्रट प्लेट बाद में इंस्टॉल हो जाती है अभी ब्लैक कलर की है यहाँ पे रिवर्स लैम रिफ्लेक्टर्स रियर रियलमी सेंसर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन मिलती है कैमरा बाद में इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे और आ, यहाँ पे ग्रैप हैंडल है इमरजेंसी एग्जिट है दिस इज द टोटल बूट स्पेस और ये है सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट फंक्शन जो कि अब आ गया यहाँ पे आपको चाइल्ड लाइसोविक्स माउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे ग्रॉसरी हुक वहाँ पे आप देखेंगे तो लैम्प नहीं है लेकिन 250 में लैम्प इंस्टॉल हो जाता है वो भी हुंडई का ओरिजिनल जेनुअन एसेसरी और ये है स्पेयर टायर तो स्पेयर टायर आप देखेंगे तो देखते कितने का का ये है सीट्स ऑब्वियसली यहाँ पे डाउन कर सकते हैं सिक्सटी फोर्टी रेशियो में तो कुछ ऐसे ही सीट डाउन हो जाती है और अब बात करते हैं इस इंजन ऑप्शन के बारे में भी तो यहाँ पे इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं दो 1.5 पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो कि सीवी है और यहाँ पे 1.5 पॉइंट फाइव लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ लेकिन गैस इस मॉडल में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही मिलते हैं मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और यहाँ पे आप मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन भी देख सकते हैं कौन से मॉडल में कौन कौन से इंजन ऑप्शन है साउंड एंडिंग मटेरियल यहाँ पे यूज करा गया है फायर वॉल पर यूज़ करा गया है और गाइज ये बी एस सिक्स फेस टू कम्प्लांट है तो पहले से रिफाइंड आपको इंजन मिलता है थोड़े बहुत चेंजेस मैकेनिकल चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं साथ ही में एंट्राबॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है अगर आप जैसे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मॉनसून या बारिश वगैरह ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर आप अंदर मैश गार्ड भी इंस्टॉल करवा सकते हैं क्या होता है कि बारिशों में जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं वायरिंग वगैरह डैमेज हो जाती है और उनका ख़ुद का भी नुकसान होता है और वायरिंग गाड़ी का भी नुकसान होता है तो बेटर है कि आप वो मैश गार्ड वगैरह इंस्टॉल करवा लें बाद में ऑल दो इंजन गार्ड तो अंदर अवेलेबल है ही साथ ही में अब चलते हैं इस इंटीरियर्स में और इस गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं वो मैं अक्सर ड्राइव रिव्यू में शेयर करूँगा सो स्टे टून फॉर दैट ऑल्सो सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज इंडिया इज लीडिंग इन वेरी वेरी ट्रस्टेड तो वो है बोडमो डॉट कॉम बोडमो डॉट कॉम से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं स्पेयर पार्ट्स मिल जाती हैं बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक की सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन टेन डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट जरूर विजिट करें यहाँ पे सारी स्पेयर सारीसरीज बहुत ही कॉम्पेटिव प्राइस में अवेलेबल है एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे दो कीज मिल जाएगी दोनों ही रिमोट कीज दी गई है लॉक एंड लॉक इन टेलगेट बटन के साथ टेलगेट बटन को आप लॉन्ग होल्ड करेंगे तो सिर्फ टेलगेट अनलॉक हो जाता है बाकी सारे डोर्स जो हैं वो लॉक्ड रहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कार को ऑन करते हैं तो ये है वेलकम फंक्शन रियर सीट बिल्ड रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है वो भी तीनों पैसेंजर्स के साथ में लो फ्यूल रिमाइंडर और ये है डैशबोर्ड की लो तो यहाँ पे डोर डोन इंडियर अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एमबी लाइट नहीं दी गई लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे एमबीएंट लाइट फुटवेल लाइट ऑल फोर फुटवेल की लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं डोर्स पे लाइट इंस्टॉल हो जाती है यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाती है लाइट यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाती है इवन सेंटर कंसोल में भी एक स्मॉल सी लाइट इंस्टॉल हो जाती है तो पूरा जो कैबिन है वो आप यहाँ पे लिट कर सकते हैं तो ये एट थाउजेंड में हो जाता है गाइस साथ ही में ये है डुअल डोन फ्रंट डोर यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिक अवेलेबल है कोई लेदर आपको नहीं मिलता तो आप तो है। यहाँ पे चाहें तो लेदर आप करवा सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे लेदर इधर लेदर सारा करवा सकते हैं पंद्रह से दो में तो वो हो जाता है डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ़ लेदर जो आप करवा रहे हैं इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का मिलेगा और फो पावर विंडोज़ हैं ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो अप का ऑप्शन नहीं है तो ऑटो डाउन भी आपको नहीं मिलती और यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच मिल जाता है गाइज़ और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल है सिर्फ ड्राइवर साइड स्विच आपको एल्यूमिनेटेड मिलेगा आप चाहे तो ये ऑटो डाउन ऑटो अप करवा सकते हैं लेकिन उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा पूरा पैनल वगैरह सब रिप्लेस होता है अंदर की जो मशीन है वो रिप्लेस होती है तो वो चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं गाइज़ यहाँ पर इंटरनली एडजस्टेबल ओ साथ में स्पीकर की स्पेस यहाँ पर आप चाहें तो बाद में ट्रेटर इंस्टॉल करवा सकते हैं ट्विन बॉटल होल्डर मिलता है डोर पॉकेट मिलती है ब्लैक कलर की डोर सिल प्लेट है यहाँ पर एल्यूमिनेटेड आप लगवा सकते हैं साथ ही में यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर क्लच फुट रेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप तो जैसे ही आपकी गाड़ी हॉल्ट आएगी जैसे कि यहाँ पे आप रेड लाइट पे आए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी कार दैन दोबारा जब आप क्लच फ्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी और इसके अलावा अगर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ कर सकते हैं हेड हेडलैम्पलेबले तीनों ही स्विचज जो हैं दैट इज़ एल्यूमिनेटेड ब्लू कलर की बैकलेट है और ये है फैब्रिक सीट अबॉल्स हाइड एडजस्टमेंट दी गई है ड्राइवर साइड के लिए साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स एट बैग्स अवेलेबल है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल एडजस्टेबल सीट बेल्ट है एंड अब अंदर चलते हैं इसको क्लोज कर लेते हैं तो ये है गाइस स्टेरिंग व्हील यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो सिर्फ एम के दिए गए हैं फिलहाल लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं आप ये वाले इधर वाले भी इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि ऑडियो कंट्रोल्स हो गए हैं ब्लूटूथ तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेरिंग व्हील दिया गया है साथ में एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे ट्रिल्ड एडजस्टमेंट अवेलेबल है इसी के साथ गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलते हैं और कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्रॉपर डिस्प्ले आपको मिल जाएगा और यहाँ पे एम कंट्रोल्स दिए गए हैं सिर्फ यहाँ पे कोई क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल नहीं है क्रूज़ कंट्रोल मैं रिकमेंड भी नहीं करता आप इंस्टॉल कर रहे हैं ऑल हो जाता है इंस्टॉल यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स ब्लूटूथ कंट्रोल्स ये जो है यहाँ वाले कंट्रोल्स वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं साथ ही में ये लेदर ऐप नहीं दिया गया तो लेदर ऐप भी आप करवा सकते हैं अच्छी क्वालिटी वाला करवाएंगे पंद्रह सौ से तीन हज़ार डिपेंड करता है कि उनसे लेदर टॉप मॉडल की तरह लेदर आप हो जाएगा और ये आ, है इंस्ट्रूमेंट लेस्ट्रेस सेंटर में यहाँ पे टीपी एम एस डिस्प्ले होता है चारों टायर्स का टायर प्रेशर साथ में आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले टोटल टलोमीटर टो ड्रिवन ये शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिल जाता है डिस्टेंस टू तो एम टी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और कुछ सेटिंग आपको मिल जाती है जैसे कि लाइट की सेटिंग कैबिन की एलुमिनेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वन डच इंडिकेटर ऑफ थ्री फाइव फिर सेवन फ्लैश हेडलैम डिले यानी कि अप्रोच हेडलैम्प फॉलोमियम लीडमी टू द विकल फंक्शन तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और डोर लॉक आप चाहते हैं कि ना हो तो उसे आप ऑफ कर सकते हैं अनलॉक कब हो जब आप गाड़ी की चाबी निकाले तब तो सारे अनलॉक हो जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि अनलॉक ना हो उस टें तो वो भी ऑफ कर सकते हैं मल्टीपल क्या ही सेटिंग यहाँ पर दी गई है पहले की तरह ही साउंड यहाँ पे जो है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वेलकम साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं कन्वीनियंस सेटिंग जैसे मैं आपको है वाइपर का डिस्प्ले आप चाहते हैं तो आप वो भी ऑफ कर सकते हैं सर्विस इंटरवल यहाँ पे आप सेट कर देंगे तो आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाएगा बाकी फीचर्स हैं तो यहाँ पे ऑटो फ्यूल इकनॉमी जैसे रीसेट हो जाएगी जैसे आप पेट्रोल भरवाएंगे तो वो सब आपको मिल जाता है टेम्परेचर यूनिट आप चेंज कर सकते हैं साथ ही में लैंगवेज इंग्लिश हिंदी अब यहाँ पे ऐड कर दी गई है पहले हिंदी नहीं थी तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है इसी के साथ एवरेज फ्यूल कंजन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन तो डिस्प्ले होगा आपको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल माइलेज इंजन रनिंग टाइम एक ट्रिप ये है दूसरा ट्रिप ये है तो दो ट्रिप मीटर में आपको मिल जाता है यहाँ पे लाइव स्पीड डिस्प्ले होगी यहाँ पे ऑटो स्टॉप कितनी देर रहा यानी कि जो ऑटो स्टॉप दिखाया था मैं आपको वो कितनी देर रहा तो वो यहाँ पे शो होता है और यहाँ पे यूरिया लेवल यानी कि डीज़ल है ये आप देख सकते हैं सिक्स थाउजेंड आर पी एम तो डीजल है ये तो वो आपको एड ब्लू का लेवल यहाँ पे शो करता है काफ़ी इंफॉर्मेटिव दी गई है एम आई डी ऑल दो स्मॉल साइज़ की लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है यहाँ पे आपको सेंटर में आमरेस्ट मिल जाती है जो कि कुशन आमरेस्ट है साथ में एडिशनल आप लेदर भी लगवा सकते हैं इस पर अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया है ट्विन यहाँ पे कप होल्डर स्पेस मिलेगी ये है गियर नॉब रियर में सेंसर्स हैं जिसका डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा लगवा सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है यहाँ पे वायरलेस चार्जर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे एक ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट मिलता है आप चाहें तो यहाँ पे दो ट्वेल्व वोल्ट की सॉकेट इंस्टॉल करवा सकते हैं टू फिफ्टी से थ्री फिफ्टी में इंस्टॉल हो जाता है गाइस और यहाँ पे मैनुअल एसी विद हीटर ये नॉब थोड़ी सी छोटी दी गई है तो थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ेगा और साथ ही में यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पीकर सब वो फसर सब कुछ इंस्टॉल करवा सकते हैं तो यहाँ पे आप गाइज एंड्रॉड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं रियर कैमरा के साथ या थ्री सिक्सटी कमरा के साथ जिसमें हॉट स्टार नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब कुछ चल जाता है ऑफिस या घर में आपके कैमरा है तो उसका डिस्प्ले मिल जाता है जी मेल कैलकुलेटर जितनी भी एप्स यहाँ पे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सब आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वो आप इंस्टॉल करवा लें बाकी हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोडी फील होती है ये लेदर नहीं है इस मॉडल में प्लास्टिक है आ, लेदर आप लगवा सकते हैं कलर इंटीरियर का थीम आप चेंज करवा सकते हैं यहाँ पे वैनिटी मिरर है यहाँ पे आप देखेंगे संगला शोल्डर की जगह दी गई है इस मॉडल में नहीं मिलता आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में इंस्टॉल हो जाता है ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में इंस्टॉल करवा रहे हैं यहाँ पे एल ई लग जाते हैं सनला शोल्डर लग जाता है और ये डे एंड नाइट आईअर भी है इसके अगर ऑटो डिमिंग आप करवा लें अगर आपकी नाइट ड्राइविंग ज़्यादा रहती है तो और साथ में यहाँ पे जैसे स्पीकर आपको एस एक्स मॉडल में टॉप मॉडल में मिल जाता है टॉप मॉडल में जो सेंटर स्पीकर दिया गया वो गाइज यहाँ पे इंस्टॉल वैसे तो नहीं होगा करवाने को आप करवा सकते बट आई वोट रिकमेंड आप करवाएं यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे टॉल सेट होल्डर डोर ओपन करेंगे रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे बोनेट का नहीं मिलता लेकिन बूट का आपको रिमाइंडर मिल जाता है रेटा की जो खास बात है वो इसका कम्फर्ट कम्फर्ट बहुत बढ़िया है फ्रंट सीट्स का भी रियर सीट्स का भी और ये है रियर डोर यहाँ पे सनशेड अवेलेबल नहीं है टॉप मॉडल की तरह सनशेड तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा दोस्तों उसके लिए पूरा पैनल यहाँ पे चेंज कराना पड़ता है लेकिन नॉर्मल आप रोलर सनशेड लगवा सकते हैं साथ ही में डोर सिल प्लेट नहीं है वो आप लगवा सकते हैं बॉटल होल्डर स्पीकर की स्पेस पावर विंडो कंट्रोल ब्लैक कलर इनसाइड डोर हैंडल और ये है रियर सीट्स तो गाइज अब आपको बेस मॉडल से ही रियर में रिक्लाइनबल सीट मिल जाती है दोनों रिक्लाइन हो जाती है मैंने इसको रिक्लाइन करा उसको नहीं करा ताकि आपको मैं डिफ्रेंस बता सकूँ तो आप देख सकते हैं अराउंड टू और टू एंड हाफ इंचज का डिफेंस आता है रिक्लाइनेबल सीट्स गाइज बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इस पर आप बाद में क्वेश्चन लगवा सकते हैं सेंटर में आमरेस्ट है को इनका होल्डर के साथ चाइल्ड आइस ऑफ एक्समाउंट्स आपको मिल जाते हैं रियर सीट्स का माल का स्पेस और कंफर्ट ऑफर करती है गाइस साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगी लेगी यहाँ पे मैगजीन न्यूज़पेपर आप रख सकते हैं यहाँ पर रियल इसीवेंट रियर में सॉकेट नहीं है लग जाएगा यू एस पोर्ट लग जाएगा ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट लग जाएगा जो आप लगवाना चाहें और यहाँ पे ग्रैब हैंडल यहाँ पे ग्रैब हैंडल दोनों पर कोट हैंगर नहीं दिए गए और ये अब ऐसे स्लो रिलीज वाले नहीं है ये नॉर्मल रिलीज वाले हैं यहाँ पर आपको हेलोजन लैम मिल जाते हैं और ये है गई इस डैशबोर्ड के लुक बहुत सारी वीडियोज ऐसे आने वाली हैं वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लेगा इस सर्विस कॉस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई और मॉडल का वॉक ग्राउंड चाहिए फटाफट जरूरत बता दें हैं जी स्कोडा फॉक्स वैन कौन सी गाड़ी का चाहिए